सबको प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जायका रश्मिका में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, दिवाली आने वाली है, तो लगता है कुछ चीज़ें बना के थोड़े दिन पहले रख ली जाएं, ताकि घर में कोई फ्रेंड्स आएं, गेस्ट आएं, तो फ्रिज में से निकालो और फटाफट बना लो। ऐसे ही लास्ट वीक मैं अपने सिस्टर इन लॉ के पास लुधियाना गई, तो उन्होंने मेरे को फुल गोभी के और चने की दाल के कबाब खिलाए। वो इतने यमी थे ना, तो मेरे को लगा, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो लेट अस स्टार्ट। तो गोभी के कबाब बनाने के लिए मैंने 1 कप दाल को सुबह ही भिगो दिया था। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हो, मतलब अगर आपको शाम को बनानी है ना, तो आप सुबह दाल भिगो दीजिए, ठीक है। और इसमें मैंने 1/2 किलो के करीब गोभी थी, उसको कद्दूकश करके रख ली है। आप गोभी और भी डाल सकते हो। और उसके अलावा हम इसमें डालेंगे धनिया, हरा धनिया, और कड़ी पत्ता, ये सब बारीक बारीक चॉप कर लिए, हरी मिर्ची, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच ही लहसुन। और अब हम इसको एक बोल में गोभी को डालेंगे। आप गोभी और भी ऐड कर सकते हो। और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, इनको मिक्स कर लेंगे सबको। और दाल को अब हम पीस लेंगे, और बिल्कुल ही थोड़ा पानी डाल के आपने इसको पीसना है। और नमक जब हम इसको बनाने लगेंगे ना, तब डालेंगे, क्योंकि नहीं तो ये पानी ना छोड़ दे। अब हम दाल पीसते हैं। तो ये देखिए, दाल हमारी पीस गई है। मैंने इसको पल्स मोड पे पीसा है। मैंने तो हरी मिर्ची बारीक काट के डाली है। आप दाल के साथ भी हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक भी पीस सकते हो। और दाल को मैंने पल्स मोड पे पीसा है, बिल्कुल जरा सा पानी डाल के, तो बड़े आराम से पिस जाती है। और अगर दाल में कुछ थोड़ा बहुत चने का दाना रह गया, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मुंह में आता अच्छा ही लगता है। अब जो हमने हमारा गोभी वाला मिक्सचर था, उसमें हम ये दाल ऐड कर लेंगे, और दाल ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। और इसमें मैं सिर्फ डाल रही हूँ नमक, मैं इसमें और कोई मसाले नहीं डाल रही, क्योंकि हरी मिर्ची, धनिया वगैरह तो हमने पहले ही डाल लिया, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो इसमें चाट मसाला वगैरह डालना, तो आप डाल सकते हो। वैसे ये सिर्फ नमक से ही मुझे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने जो तेल है वो चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अभी ये गर्म होता है, तो अब हम गर्मा गर्म वड़े जो हैं वो तलते हैं। तो ये देखिए, अब हम थोड़ा सा गीले पानी का हाथ लगा के, ये थोड़े बड़े ही साइज़ के अच्छे लगते हैं, और इसकी शेप का कोई चक्कर नहीं, बस आप मोटे मोटे ऐसे करके डालते जाएं। ये बाहर से क्रिस्प होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। और अभी मैं ये कच्चे पक्के निकाल के रख रही हूँ। ये देखिए, और ना इनके कोई टूटने का डर है। इस तरह से आप ये सारे ये देखिए, ये मैंने थोड़े थोड़े ब्राउन करके इनको मैं निकाल लूंगी। इसी तरह से मैं सारे वड़े जो हैं या सारे कबाब जो हैं
वो हाफ डन करके रख लूंगी। तो ये देखिए सारे वड़े जो हैं ये बनकर तैयार हो गए हैं। अगर तो आप अभी इनको खाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो इनको ठंडा होने पर आप ये जिप लॉक है आप इसमें डालिए और फ्रीज कर दीजिए, और जब दिल चाहे जितने बड़े चाहे निकालो, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लाकर इसको फ्राई करो और खा लो। और एक बात और, अगर आप दोबारा फ्राई नहीं ना करना चाहते तो आप इसको एयर फ्रायर में भी डाल सकते हैं। देखो फ्राइड चीज़ें तो फ्राइड ही अच्छी लगती हैं, लेकिन एयर फ्रायर में भी ये स्वाद लगते हैं। तो लेकिन मेरा तो मन कर रहा है कि अब ये इनको थोड़े से खाए भी जाए, तो मैं अभी थोड़े से वड़े ज़रूर फ्राई करूँगी। आप इसको लीजिए और इसको थोड़ा प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करके इसको दोबारा रीफ्राई के लिए डाल दीजिए। अब मैं फ्राई कर लूँ, फिर हम देखते हैं हमारे वड़े जो हैं वो कैसे बने हैं। टच करने में ऊपर से क्रिस्प अंदर से तो सॉफ्ट लग रहे हैं, तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बने हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आप बहुत इंजॉय करोगे। इसमें जो गोभी का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही मज़ेदार है। तो देखिए जी मेरे वड़े हो गए हैं तैयार, क्या बढ़िया मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो अब मैं बनाऊंगी इनके साथ चाय गर्मा गर्म या कॉफ़ी, लेकिन उससे पहले हम इसकी पहले तो प्लेटिंग करते हैं। और मैं इसको खिला रही हूँ सबको हरी चटनी के साथ, आप सॉस भी रख सकते हैं। तो ये देखिए तो हमारे वड़े जो हैं वो तैयार हैं, अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। बहुत स्वागत, इतने यम्मी है ना, बाहर से क्रिस्प और अंदर से एकदम सॉफ्ट। मतलब आप भी जरूर बनाना, जरूर ट्राई करना गर्मा गर्म चाय के साथ। और अगर अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मुझे बताइए मैं और आपके लिए क्या बनाऊं। और एक बात और, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।